तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे तैयार करेंगे बहुत ही सुंदर सा कुशन बना के तैयार करेंगे फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमें चाहिए प्लेन कपड़ा, मतलब एकदम प्लेन कपड़ा चाहिए, प्रिंटेड नहीं चाहिए। तो किसी भी कलर में आप ले सकते हैं, जो भी आपको कलर पसंद हो। तो सबसे पहले इस तरीके से रख लेंगे कपड़े को, ये इसको मैंने इस तरीके से डबल करके ले लिया, फोल्ड करके ले लिया है कपड़े को इस तरीके से। तो एक कुशन के निकालेंगे ना, उसमें दोनों पीस निकालेंगे हम। तो इसको हम इस तरीके से दो दो पीस को इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और अब हम इसको तो इस तरीके से हम एक बार इसको कर लेंगे फोल्ड। ये मैंने यहाँ तक ले लिया इसको, तो मैं यहाँ से कट ही कर लेती हूँ इसको। तो ये कट कर लिया, ये देख सकते हैं ये इस तरीके से फोल्ड कर लिया है ना मैंने, दो पीस कटे आएंगे इसमें। तो जितने बड़ा भी आपको बनाना है उसके हिसाब से आप कपड़े को रख लें। डबल ले लिया है ना, अब इसको इस तरीके से, अब इसमें एक फोल्ड आया है क्योंकि ऐसे करके। और अब इसको हम एक बार ऐसे ले लेंगे ऐसे करके, तो इस तरीके से इसका मतलब डबल फोल्ड करेंगे हम। तो एक फोल्ड हमारा ये हो चुका है और एक फोल्ड हमारा ये हो गया है इस तरीके से।이제서야 모든 것은 달라진 거야.
세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해 우리 같이 한 시간들 때론 힘든 적도 있어 그래도 우린 늘 웃어 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 तो इसमें जो सेलवटेसी थी हल्की हल्की सी इसमें मैंने प्रेस कर ली, मुझे पहले ही प्रेस कर लेनी चाहिए थी। और अब क्या करेंगे कि हम जिस तरीके का कपड़ा है ना उसी तरीके की हम रील लेंगे और इस तरीके से पूरी जिस जैसे हमने लाइनें दी है ना इसी तरीके से हम इसमें सिलाइयाँ लगा लेंगे इस तरीके से। और अब इसको इस तरीके से मशीन के ऊपर रख लेंगे और सीधी सीधी हम इसमें इस तरीके से सिलाइयाँ लगा लेंगे और कुछ भी हमें करना नहीं है यहाँ पे, सीधा जो हमने लाइन दी है ना इसके ऊपर ऊपर हमें यहाँ पे पूरी सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से तो ऐसे ही हम पूरे में लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने पूरे में इस तरीके से सिलाई लगा ली है और जो ये मोटी वाली सिलाई होती है ना उस पर कर लें आप नीडल को और इस तरीके से मोटी मोटी सिलाई लगा लें। इसमें तो पूरी जितनी मैं हमने निशान लगाए थे पूरी में मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे जो मतलब जिधर हमने सिलाई लगाई ना इसके ऊपर हम दूसरा कपड़ा रख लेंगे। तो इसका जो सीधा वाला भाग है उसको नीचे की साइड रखेंगे और इस तरीके से इसको इस तरीके से रख लेंगे। और अब इसमें यहाँ पे हम साइड साइड में इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे हम इसमें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इतनी इतनी पे हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल साइड में हम इस तरीके से। इस तरीके से इतनी इतनी पे हम इस सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें इस तरीके से सिलाई लगा ली है और यहाँ तक और बीच में थोड़ी सी हमने रहने दी। इससे हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको तो देख सकते हैं सीधा करके कितना सुंदर सा ये लग रहा है। और यहाँ से थोड़ा सा क्योंकि यहाँ से अभी हम इसको बाद में सिलाई कर लेंगे। और अब हम इसमें फॉर्म या रुई या कपड़ों की जो कतरन होती है उसको आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास है आप इसके अंदर फिल कर ले। तो मैं यहाँ तो मेरे पास ये कुछ कॉटन थे इसको इसके अंदर भर लेंगे, बढ़िया से भर लेंगे इसमें एकदम इसको फुली फुली कर लेंगे, फुला फुला लेंगे इसको इस तरीके से दबा दबा के इसको इस तरीके से भर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से इसको भर लेंगे और अब जहाँ से ये खुला है इसको यहाँ से इस तरीके से सिल लेंगे, बंद कर लेंगे इसको इस तरीके से। तो इसको मैंने सिल लिया, देख सकते इस तरीका बढ़िया सा ये कुशन हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या करें इसके बीच सेंटर में यहाँ पे इस तरीके से बड़ी सी सुई ले लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे बैक साइड में इसको यहाँ पे निकालेंगे। धागे को इस तरीके से खींच लेंगे और यहाँ पे ना इस तरीके से टांके लगा लेंगे हम।
बहुत ही सुंदर सा हमारा ये कुशन यहाँ पे तैयार हो जाता है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना सुंदर सा ये हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, और बहुत जल्दी बन के, बहुत ज़्यादा इसमें कोई तामझाम की जरूरत भी नहीं होती है, सिंपली और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से आप अलग अलग कलर में भी बना के रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये, अलग अलग कलर में आप बना के रख लें।